नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक स्लीपर के बारे में। रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन में स्लीपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अलाइनमेंट मेंटेन रखते हैं। अगर स्लीपर का चयन सही तरीके से नहीं होता है तो इससे ट्रैक की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है और सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या रेलवे को बहुत ही बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रेलवे में स्लीपर का चयन बहुत ही ध्यान पूर्वक किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्लीपर क्या होते हैं। स्लीपर आर मेंबर जनरली लेड ट्रांसफर्स टू द रेल ऑन विच द रेल्स आर सपोर्टेड एंड फिक्स्ड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल्स टू द बलास्ट एंड ब्लैंकेट सबग्रेट बिलो। स्लीपर जो होते हैं वो रेल्स को सपोर्टेड रखते हैं और ये एक रेल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे होते हैं। अगर हम ये सामने वाले ट्रैक को देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में लगे होते हैं और ये रेल्स को फिक्स रखते हैं, और रेल्स के ऊपर जो भी लोड आता है उसको ये ट्रांसफर करते हैं थ्रू बलास्ट एंड ब्लैंकेट टू द फॉर्मेशन लेवल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, स्लीपर्स के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। टू होल्ड रेल इन टाइट कंडीशन, टू मेंटेन करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट, टू रिटेन पैकिंग अंडरनीथ द स्लीपर, टू प्रोवाइड फर्म्स एंड इवन सपोर्ट टू रेल्स, टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल्स टू द वाइडर एरिया ऑफ बलास्ट, टू एक्ट एज ए इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल एंड बलास्ट, इट प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। चलिए जान लेते हैं हम स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं। स्लीपर तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वुडन स्लीपर, और कितने प्रकार के ये होते हैं। वुडन स्लीपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनट्रीटेड, एक होता है ट्रीटेड स्लीपर। जो अनट्रीटेड स्लीपर होते हैं वो हार्ड वुड से बना जाते हैं, चाहे वो साल हो, अनजान हो, टीक हो, ये बहुत ही हार्ड वुड के बने होते हैं। बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप्स के बारे में। ट्रीटेड स्लीपर ये सॉफ्ट वुड के बने होते हैं, देवदार है, चीड़ है, इनके बने होते हैं। ये ज्यादातर डिके हो जाते हैं टाइम टू टाइम, उनको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए अब इनका स्लीपर्स का इस्तेमाल होना रेलवे में बंद कर दिया गया है और अब ये रेलवे में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, मेटल स्लीपर के बारे में जान लेते हैं। ये वो स्लीपर्स होते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं। जान लेते हैं कैसे कैसे मेटल्स के बने होते हैं। एक होते हैं कास्ट आयरन के बने हुए, एक होते हैं स्टील के बने हुए। जो कास्ट आयरन के होते हैं आपने स्लीपर देखे होंगे, जो CST9 के बने होते हैं, वो ये एक प्रकार के लोहे के बने होते हैं। इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है, जिसके कारण इसमें सडन इम्पैक्ट लोड अगर पड़ता है तो ये टूट भी जाते हैं। इसलिए इसका भी रेलवे ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। फिर इसको और मॉडिफाई करके रेलवे ने स्टील स्लीपर को अडॉप्ट किया है। कास्ट आयरन से अच्छी परफॉर्मेंस और लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं। बात कर लेते हैं कंक्रीट स्लीपर के बारे में। ये बहुत ही मोस्टली यूज स्लीपर है रेलवे में, और बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे में। आपने ज्यादातर इंडियन रेलवे में देखा होगा, और इवन आपने फॉरेन कंट्री में भी देखा होगा कि कंक्रीट स्लीपर बहुत ज्यादा ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसके यूज करने के बहुत सारे कारण हैं, वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। कंक्रीट स्लीपर दो प्रकार के होते हैं, ट्विन ब्लॉक स्लीपर और मोनो ब्लॉक स्लीपर। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि ट्विन ब्लॉक स्लीपर क्या होते हैं, मोनो ब्लॉक स्लीपर क्या होते हैं। ये जो वुडन स्लीपर हैं ये ब्रिटिश टाइम से इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल रेलवे ने बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और ये कुछ आपको स्क्रीन में इसकी कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं, ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये रेलवे स्लीपर है वुडन के। ये टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डिके हो जाते हैं, इसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं और ये लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है और ये कंक्रीट स्लीपर से मच बेटर होती है। जान लेते हैं इनके फायदे और नुकसान, कि वुडन स्लीपर से क्या फायदे होते हैं और उनके क्या नुकसान। पहले हम जान लेते हैं इनके फायदे। टिम्बर आर इजिली अवेलेबल, ये आसानी से मिल जाते हैं।
इनकी जो फिटिंग्स होती है वो बहुत ही कम होती है और सिंपल इन डिजाइन होती है। ये स्लीपर को आसानी से हम लिंक कर सकते हैं। इनका पैकिंग वापस रिप्लेस करना, लिफ्ट और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है और ये ट्रैक सर्किट एरिया में आर द बेस्ट स्लीपर। ट्रैक सर्किट एरिया में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जान लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। दी स्लीपर आर सब्जेक्टेड टू वियर डिके अटैक बाय आंट स्पाइक किलिंग एक्सेट्रा। मतलब ये धीरे धीरे मतलब चींटियों काटने से इसमें डिके हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से या फिर रेनी सीजन की वजह से ये धीरे धीरे इसमें दिमाग लग जाती है और ये खत्म हो जाते हैं। इसमें वुडन स्लीपर में गेज को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और आसानी से इसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वुडन स्लीपर के इस्तेमाल करने से ट्रैक में काफी डिस्टर्ब हो जाता है ट्रैक, मतलब बार बार हमको उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसमें काफी हमारा मैन पावर यूज होता है, तो वुडन स्लीपर इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, ये 12 से 15 साल तक इनकी लाइफ होती है अगर अच्छी वुड का बना हो तो। अगर सॉफ्ट वुड का होगा तो ये हर 4-5 साल में इनको चेंज करना पड़ता है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली साइड की तरफ। कास्ट आयरन स्लीपर के बारे में। दी स्लीपर आर स्टैंडर्डाइज बाई ट्रैक स्टैंडर्ड कमेटी। इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज ऑन इंडियन रेलवे फॉर लास्ट 30 years। रेलवे में ये पिछले 3 साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इट हैज ए ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पोर्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रेल सीट, अ प्लेट विद द प्रोजेक्टेड रिब एंड बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट। इन स्लीपर का वेट लगभग 103 किलो होता है। ये स्लीपर बहुत ही आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं और इनको बहुत ही आसान तरीके से डिसमेंटल किया जाता है बिना किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के। कुछ फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। ये कुछ उसका बेसिक डिजाइन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्लेट लगी होती है इसके अंदर। और इन दो प्लेट को एक बीच में ये टाइप बार से कनेक्ट किया जाता है जिससे ये दोनों आगे पीछे डिस्प्लेस ना हो सके। ये एकदम स्क्वायर में बनाए रखे इसलिए एक टाई बार से इनको कनेक्ट किया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये यहाँ ऊपर जो रेल दिखाई दे रही है, इस रेल को इसमें फिक्स करने के लिए अपने को यहाँ पर एक टू वे की को इस्तेमाल किया जाता है जो रेल को फिक्स रखता है और गेज को मेंटेन रखता है। ये फोटो में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टील स्लीपर के बारे में। दी स्लीपर शुड मेंटेन परफेक्ट गेज। ये स्लीपर आसानी से गेज मेंटेन किया जा सकता है। इट शुड बी पॉसिबल टू फिक्स रेल इजली इन स्लीपर विदाउट मूविंग द स्लीपर लॉन्गिट्यूडनली। द मेटल ऑफ स्लीपर वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एज बीम। मतलब ये एज ए बीम काम करता है। They should be sufficiently heavy for stability. It cannot be used in track circuit area. इसको स्टेशन यार्ड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसको जनरली ब्लॉक सेक्शन में यूज करते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स की मदद से आपको और बेहतर समझ में आएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे स्लीपर जो है स्टील स्लीपर है। इसमें ये लूज जो होती है ये लूज रहती है, ये फिक्स नहीं रहती स्लीपर के साथ में। ये लूज होती है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। और इसको आपस में रेल को जोड़ने के लिए एक की का इस्तेमाल किया जाता है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये रेल्स को फिक्स रखता है और ट्रैक गेज को मेंटेन रखता है। जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं। मेटल स्लीपर आर यूनिफॉर्म इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये इनकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मली होती है और ये ड्यूरेबल होते हैं लंबे समय तक। मेटल स्लीपर आर इकोनॉमिकल एज लाइफ इज लॉन्गर एंड मेंटेनेंस इज इजियर। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और इसका मेंटेनेंस बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इसमें गेज को एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है। मेटल स्लीपर हैव गुड स्क्रैप वैल्यू, इजी टू मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ससेप्टेबल टू फायर हैजार्ड्स। इसका अच्छा स्क्रैप वैल्यू रहता है। इसको आप जब भी ये इनसर्विसेबल रहे तो इसको आप इजिली बेच भी सकते हैं स्क्रैप में, और ये फायर से भी बचा रखता है।
जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ये बाकी स्लीपर्स से ज्यादा अधिक बलास्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इजीली इसको डिसमेंटल कर सकते हैं, इसलिए इसके को बलास्ट हमको अधिक देना पड़ता है ताकि ये का लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। इसमें जो फिटिंग इस्तेमाल की जाती है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, उनका मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। स्टील और आल्सो लायबल टू रस्टिंग और करोजन, इसमें भी रस्टिंग लगने के चांसेस हो जाते हैं और इसको भी हम ट्रैक सर्किट एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर, कंक्रीट स्लीपर के बारे में हम जान लेते हैं। कंक्रीट स्लीपर दो प्रकार के होते हैं। पहले जान लेते हैं इसका आरसीसी ट्विन ब्लॉक स्लीपर। इट हैज टू ब्लॉक विद इंसर्ट एंड कनेक्टेड बाय एंगल। इसमें दो कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं, उनको एक एंगल के साथ कनेक्ट किया जाता है और दिस एंगल विल डैमेज ड्यू टू हैंगिंग पार्ट ऑफ मूविंग ट्रेन इफ एनी विल गेट करोडेड क्विकली। ये कभी कभी क्या होता है इसमें करोजन की वजह से ये डैमेज हो जाती है, इसलिए ये एक तरीके से ध्यान देने वाली बात है। इसके अंदर हम उसको देते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लेस स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और ये स्लीपर की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल अब रेलवे में नहीं किया जाता है। जान लेते हैं कंक्रीट स्लीपर के दूसरे पार्ट के बारे में, पीएससी मोनोब्लॉक स्लीपर। ये रेलवे में बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया में नहीं अदर फॉरेन कंट्री में भी इसको बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं और उनकी स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। द डायमेंशन ऑफ स्लीपर विल बी लार्ज, इसका डायमेंशन ज्यादा होता है, इसका क्रॉस सेक्शन कम होता है रेल सीट पे और इसमें जो इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट है उसका ग्रेड होता है M35 और इसमें जो स्ट्रेसिंग फोर्स को इस्तेमाल कर लगता है वो लगभग 2730 किलोग्राम होता है, जो हम इसके जब हम इसकी प्री स्ट्रेसिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, आगे वाले हम स्लाइड में जानेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो उसमें जब हम स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसमें लगने वाला फोर्स जो होता है वो 2730 केजी होता है। जान लेते हैं इनकी फोटोग्राफ्स के बारे में कैसे दिखते हैं ये। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये ट्विन ब्लॉक स्लीपर होता है। इसमें ये जो कंक्रीट ब्लॉक होते हैं ये दोनों एंड पे होते हैं और बीच में ये एंगल से इनको कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि इसमें रस्टिंग लग जाती है क्योंकि ये एनवायरमेंट कंडीशन में रखे रहते हैं, इसलिए इसमें जंग लगने के कारण ये एंगल डैमेज हो जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल अब रेलवे ने बंद कर दिया है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कंक्रीट स्लीपर, इसका इस्तेमाल भी अब रेलवे में बहुत इस्तेमाल हो रहा है और इसका लाइफ बाकी स्लीपर से बहुत अच्छा है और ये लंबे समय तक चलता है। जान लेते हैं कंक्रीट स्लीपर के फायदे और नुकसान। कंक्रीट स्लीपर को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने में बिल्कुल फ्रीडम होती है, इसको कैसे भी हम डिजाइन कर सकते हैं। इसकी सर्विस लाइफ और ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक होती है और ये ट्रैक ज्योमेट्री को अच्छे से मेंटेन रखता है और ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डिस्टेंस को भी अच्छे से मेंटेन रखता है और ये अपनी अच्छी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए हम इसको LWR सेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं और ये एंटी थेफ्ट और एंटी सबोटेज होता है, मतलब इसको कोई जल्दी आसानी से कोई चुरा नहीं सकता, चोर उसको ले जा नहीं सकता क्योंकि एक तो ये बहुत हैवी होता है, दूसरा ऐसी असेंबली होती है फिटिंग होती है कि कोई इसको खोल के ले जा नहीं सकता। इसका बॉटम फ्लैट होता है जिससे कि जो भी लोड आए वो इजिली डिस्पर्स हो सके ब्लास्ट में और ये ट्रैक सर्किट एरिया में भी वेल सुटेड रहता है और इसमें आग लगने का या करोजन लगने का कोई ऐसा खतरा नहीं रहता है। जान लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वुडेन स्लीपर के बारे में बताया था कि ये वुडेन स्लीपर से कम इलास्टिक होता है, अचानक इसमें कोई सडन लोड आ जाएगा तो ये रेल सीट से इसमें क्रैक भी डेवलप हो जाते हैं और इसमें डायनेमिक लोड्स एंड ब्लास्ट स्ट्रेसेस जो होते हैं वो बाकी स्लीपर से बहुत अधिक होता है, इसमें लगभग 25% स्ट्रेसेस होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन लेइंग हैंडलिंग मेंटेनेंस इसमें काफी हमको मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाइड्रा है गनेट्री क्रेन्स है तो काफी हमको मेंटेनेंस के लिए या फिर न्यू इंस्टॉलेशन के लिए हमको काफी हैवी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर लिफ्टिंग हैंडलिंग। नॉट अमेंडेबल टू मैनुअल लेइंग एंड मेंटेनेंस, नॉट यूनिवर्सल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर नीडेड, मतलब ये जो स्लीपर होता है ये अलग अलग सिचुएशन में हमको अलग अलग टाइप के स्लीपर लगाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्लीपर को हम
अलग लोकेशन पे लगा देंगे। इसका सबका अलग अलग क्राइटेरिया, टर्नआउट्स में अलग लगेंगे, एसीजी पे अलग लगेगा, फाटक पे अलग लगेगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लीपर लगते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि सडन इम्पैक्ट पड़ने पे डैमेज हो जाते हैं, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और इसको डिस्पोज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये क्रैक हो जाएंगे तो उसको हम कहीं भी इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, इसको स्क्रैप में हम बेच नहीं सकते और इसका बहुत ही कम स्क्रैप वैल्यू होता है। जान लेते हैं इन सभी स्लीपर का कंपैरिजन कि कौन किसकी क्या लाइफ है, किसका हैंडलिंग कैसा है, कौन ट्रैक सर्किट में बेस्ट सुटेड है, किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो देख लेते हैं स्क्रीन पर। अगर हम वेट की बात करें तो वुडन स्लीपर का वेट मॉडरेट रहता है, स्टील का थोड़ा लाइट रहता है, कास्ट ट्रेन का भी मॉडरेट रहता है, लेकिन कंक्रीट का काफी हाई रहता है। सर्विस लाइफ वुडन स्लीपर की 12 से 15 साल रहती है, स्टील स्लीपर की 40 से 50 साल, कास्ट आयरन की 40 से 50 साल, लेकिन कंक्रीट स्लीपर की सबसे ज्यादा 50 से 60 साल। हैंडलिंग के दौरान बहुत ही इजी होता है वुडन स्लीपर को इधर से उधर ले जाना और इसमें कोई डैमेज भी नहीं होता है। स्टील में भी सेम यही केस है, वो भी बहुत इजी तरीके से हम उसको कहीं भी हैंडल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ये हैंडलिंग के दौरान अगर उसमें कोई डैमेज नहीं आता है। लेकिन कंक्रीट स्लीपर के हैंडलिंग में हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं भी कुछ छोटी सी गलती हो गई और गिर गया तो ये इसमें डैमेज भी हो जाते हैं। वुडन स्लीपर ट्रैक सर्किट के लिए बहुत ही बेस्ट सुटेड है, स्टील स्लीपर नहीं है, कास्ट आयरन भी नहीं कर सकते हम उसको इस्तेमाल। कंक्रीट स्लीपर को ट्रैक सर्किट एरिया में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट वुडन स्लीपर का बहुत हाई रहता है, स्टील का थोड़ा मॉडरेट रहता है, कंक्रीट का तो ऑलमोस्ट नील रहता है। सर्विस लाइफ कैसी है, उसकी डैमेज कैसे होता है, वुडन स्लीपर में काफी डैमेज हो जाते हैं, आग से जल जाता है, क्रैक व्हाइट एंट खा लेती है, टर्माइट्स लगते हैं इसके अंदर, स्टील में करोजन लग जाता है। कंक्रीट स्लीपर में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो उसको आग जला सकती है, ना उसमें करोजन लगता है, ना कोई दिमाग खाती है। सुटेबिलिटी की बात हम करें तो वुडन स्लीपर को हम सभी लोकेशन पे यूज कर सकते हैं, स्टील स्लीपर को हम ज्यादा लोकेशन पे ये सुटेबल है, लेकिन हम इसको स्टेशन यार्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ ट्रैक सर्किट होता है वहां हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही स्टेरन स्लीपर में भी यही होता है, इसको भी हम ट्रैक सर्किट एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंक्रीट स्लीपर को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्टेशन यार्ड एरिया हो या ब्लॉक सेक्शन हो या हाई स्पीड ट्रैक हो, हम कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीप वुडन स्लीपर में बहुत ज्यादा होता है, स्टील कास्ट में कम होता है, कंक्रीट में ना मात्र होता है, नील होता है ऑलमोस्ट। फास्टनिंग सिस्टम वुडन में कन्वेंशनल टाइप का होता है, डॉग स्पाइक लगता है इसके अंदर, बियरिंग प्लेट लगती है, कैंटेड बियरिंग प्लेट, स्टील में लूज जॉज, क्रीज ये सब लगते हैं, कास्ट आयरन में कीज लगती है, एक ही कीज लगती है, बस दो कीज लगती है एक रेल्स पे बस। कंक्रीट स्लीपर में ओनली इलास्टिक फास्टनिंग लगती है, ERC क्लिप लगती है इसके अंदर। आइए जान लेते हैं भारतीय रेलवे में इस्तेमाल होने वाली ड्राइंग्स एज पर दे आर यूज फॉर डिफरेंट कंडीशन। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 1 ऑर्डिनरी पीएस स्लीपर। अभी आप रेलवे में देखेंगे जो 22 टन का लोडिंग है वहां पर T2495 स्लीपर यूज होता है, वो 52 kg रेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर रेल 60 kg की हो तो 2496 स्लीपर हमको यूज करना होता है और उसका लोडिंग रहता है 22.9 टन। अगर ये लोडिंग 25 टन हो जाती है तो हमको वाइडर बेस स्लीपर यूज करते हैं, जिसका ड्रैग नंबर 8527 है और ये कुछ स्लैक गेज स्लीपर है। यहाँ ये हमको ज्यादातर कर्व स्लीपर, कर्व जहाँ शार्प कर्व होता है वहां पर हमको लगाया जाता है, तो ये कुछ ड्रैग नंबर दिया है 4183 4186, ये जहाँ भी कर्व होता है वहां इसको लगाया जाता है। अगर 60 kg की रेल हो तो ये 4183 स्लीपर लगाया जाता है, अगर ये रेल 60 kg R136RE हो तो वो 8621 से लेके 8624 तक लगाया जाता है 25 टन लोडिंग के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे स्लीपर जो गार्ड रेल में लगते हैं उनका ड्राइंग नंबर क्या होता है, तो वो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 4088 या 4097। अगर हम वाइडर बेस की बात करें तो 8672 8680 ये 25 टन लोडिंग के लिए सुटेबल है ब्रिज अप्रोचेस पे। अगर हम LC पे बात करें तो LC पे अगर 22.9 टन की लोडिंग है और 60 kg की रेल है, रनिंग रेल और 52 kg की चक रेल है, तो 4148 स्लीपर लगेगा। अगर 60 kg की रनिंग रेल है और 52 kg की गार्ड रेल है और 25 टन का लोडिंग है तो वाइडर बेस स्लीपर लगेगा 25 टन वाला 8671। SEG पे हम 4149 लगा सकते हैं या फिर 6253। पॉन्टिन क्रॉसिंग में अगर 1:8 का टर्नआउट है तो 4865 ड्रैंक नंबर लगा सकते हैं, अगर 1:12 का हो तो 4218 ड्रैंक के हिसाब से हम स्लीपर यूज करते हैं। अगर वो डी रेलिंग स्विच हो तो ये ड्रैंक नंबर R2 RT6068
यूज करते हैं। ये सब कुछ ड्राइंग नंबर है जो मोस्टली यूज होते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में। आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पे, आप देखेंगे ये ज्यादातर आप टर्नआउट्स में, एलसीज पे, एसीजे पे, इवन ऑर्डिनरी जो ट्रैक होता है वहां पर स्ट्रेट लाइन मेन लाइन, उसमें ये ड्राइंग नंबर के हिसाब से स्लीपर लगाए होते हैं। आप जान लेते हैं कि कंक्रीट स्लीपर का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ये कुछ प्रोसेस है जिससे कंक्रीट स्लीपर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सबसे पहले फॉर्मवर्क का क्लीनिंग होता है, फिर उसमें स्टैंड वायर्स को प्लेसमेंट किया जाता है, फिर उनकी स्ट्रेसिंग की जाती है, फिर इसमें कंक्रीट पोरिंग किया जाता है। पोरिंग होने के बाद उसका नेक्स्ट डे या फिर 24 घंटे बाद उनका डीशटरिंग किया जाता है, फिर उनका क्योरिंग होता है। क्योरिंग होने के बाद स्टीम क्योरिंग होती है एक्चुअली उनकी, इसके बाद उनका स्ट्रैकिंग किया जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करके उनको भेज दिया जाता है। जान लेते हैं इसको वीडियो के माध्यम से। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये स्टील के कुछ फॉर्मवर्क है, इनको ये क्लीन किया जाता है। ये जो आपको स्क्रीन पर लेबर दिखाई जा रही है, इनको क्लीनिंग कर रही है इस फॉर्मवर्क को। फिर इनकी अच्छे से ऑयलिंग की जाती है ताकि इसमें कोई बाद में हनीकॉम्ब डेवलप ना हो सके, बढ़िया से इसकी ऑयलिंग की जाती है। फिर आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, ये यहाँ पर MCI इंसर्ट लगा रहा है। अब इसमें स्ट्रैंड वायर का प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे इन वायर का स्ट्रेसिंग हो रहा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, सारे वायर का स्ट्रेसिंग हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें कंक्रीट पोरिंग किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है वो उसको अच्छे से ड्रेसिंग और फिनिशिंग करता है ताकि बाद में कोई इसमें हनीकॉम्बिंग डेवलप ना हो सके।
आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी अब स्टीम क्योरिंग हो रही है। अब इन कंक्रीट स्लीपर का को कटिंग की जा रही है। अब इनको फॉर्मवर्क से निकाल के दूसरी लोकेशन पे स्टैक किया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कितना हैवी इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है इसको लिफ्ट करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए। बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है इसके हैंडलिंग के दौरान, कहीं भी कोई भी गलती हो जाने की वजह से ये स्लीपर डैमेज हो जाते हैं और जान माल का भी खतरा हो सकता है। अब इन स्लीपर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनको BRN या IBFR में इनको लोड किया जा रहा है ताकि साइट पे इनका इंस्टॉलेशन हो सके। ये जिस इक्विपमेंट से उठाया जा रहा है उसको गनेट्री इक्विपमेंट कहा जाता है और ये एक साथ कम से कम 20 स्लीपर उठा सकता है। अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे इनका लोडिंग होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, फिर ये NTC मशीन की मदद से इनका साइट पे प्लेसमेंट होता है। जान लेते हैं हमारे स्पेशल स्लीपर के बारे में, कंपोजिट स्लीपर। यह स्लीपर एक मॉडर्न टाइप का स्लीपर होता है जिसका इस्तेमाल अभी भारतीय रेलवे या अन्य रेलवे में इतना नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में शायद हम इनका इस्तेमाल देखेंगे। इट इज अ कंपोजिट मटेरियल, इज अ मटेरियल फॉर्म यूजिंग टू और मोर डिस्क्रीटली आइडेंटिफाइड मटेरियल, दैट इज अ पॉलीमर बाइंडर विथ रिइंफोर्समेंट इन पॉलीमर कंपोजिट टू ऑब्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट आर सुपीरियर टू द इंडिविजुअल मटेरियल। In general, composite sleeper is a material system that incorporates reinforcement, glass fibers and or other properties modifiers in a polymer matrix. Based on reinforcement or properties modifiers, the polymer composite sleeper may be classified in any one of the following. इनके हम कुछ pictures देख लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी होगी।
ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं को कंपोजिट स्लीपर कहते हैं, और इनका लाइफ कंक्रीट स्लीपर जितना ही है। और ये इसमें हैंडलिंग में भी बहुत ही लाइट वेट होता है, इनका ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये भी है कि ये एक्सेसिव अल्ट्रा वाइल्ड रेज में ये डिके हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, तो उसका काफी ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें काफी स्पेशल फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो आमतौर पे अवेलेबल नहीं होती है। ये देख पा रहे होंगे आप स्लीपर। चलिए जान लेते हैं कि कितने प्रकार के स्लीपर्स होते हैं। कंपोजिट स्लीपर फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर कंपोजिट पार्शियल पार्टिकल इन्फोर्स पॉलीमर कंपोजिट हाइब्रिड कंपोजिट। आइए कुछ आरडीयूसी की रेफरेंस रैंक को देख लेते हैं जो कि रेलवे में अभी इस्तेमाल की जाती है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रैंक नंबर 2495 और 2496। जो 2495 है वो 52 kg रेल के लिए सुटेबल है और 2496 ये 60 kg रेल के लिए सुटेबल है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको इंसर्ट कहा जाता है, एमसीआई इंसर्ट। ये इसका कुछ क्वांटिटी शेड्यूल है कि एक स्लीपर में कितनी फिटिंग्स लगती है, कितना कौन सी ईआरसी क्लिप लगती है, कौन सा रबर पैड लगता है, कौन सा लाइनर लगता है। अगर हम 25 टन लोडिंग के हिसाब से बात करें तो 8527 स्लीपर लगता है 60 kg रेल के लिए। ये डीएफसी प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल किया जाता है रेल स्लीपर को। ये भी 25 टन लोडिंग के लिए सुटेबल है। ये आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ड्राइंग, ये एलसी स्लीपर्स की ड्राइंग है और ये एलसी पे यूज किया जाता है। इसमें ये रनिंग रेल होती है, ये जो है रनिंग रेल होती है। इसके साथ में ये जो आप रेल देख रहे हैं ये यहाँ पर डबल्स होते हैं, इसके ऊपर रेल लगा जाती है चेक रेल। ये आप जनरली अपने फाटक पे देखा होगा, वहां पर ये स्लीपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्लीपर आप ड्राइंग में देख रहे हैं ये एसीजी पे लगा जाता है, ये भी एक प्रकार का स्पेशल स्लीपर है। ये टर्नआउट की ड्राइंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें 1:12 की ड्राइंग है ये। इसमें लगभग 96 स्लीपर लगते हैं। ये आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्पेशल टाइप के स्लीपर होते हैं, कहाँ पर कौन से स्लीपर लगते हैं, उसका क्या ड्राइंग नंबर होता है, उनके क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।